क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि दो दो एटम बॉम्ब से बच सके? और हम अपने वेट के बारे में कितना जजमेंटल होते हैं, पर आपको पता है दुनिया में एक ऐसी भी प्रजाति है जिसका वेट हर दिन 90 किलो से बढ़ता ही रहता है। और अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर में सबसे पुरानी चीज़ क्या है तो आप क्या कहोगे? आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे पुराने होटल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सुन के आपका दिमाग चकरा 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 जाएगा। It sound like खतरा खतरा खतरा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। फैक्ट नंबर वन, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बॉम्ब के हमले से बच जाए, वो भी एक नहीं दो दो बार? यकीन करना मुश्किल है ना। लेकिन जापान के एक आदमी सुटामु यामा गोची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन वहां अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिया था। यामागुची के चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारी रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। लेकिन 3 दिन बाद अमेरिका ने वहाँ भी एक एटम बॉम्ब गिरा दिया और हमले में उनका घर पूरा बर्बाद हो गया। पर सौभाग्य से वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगह पर मौजूद थे जहाँ वो पूरे के पूरे बच गए। फैक्ट नंबर टू, जहाँ आप 70 साल की अधिकांश महिलाओं से संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करोगे, वही अमेरिका की चाओ स्मिथ नाम की एक ऐसी भी महिला है जिन्होंने अपने 70वें बर्थडे को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में और लगातार 7 दिनों में भी। और तो और, इन कॉन्टिनेंट में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, वो बात इस महिला पर बिल्कुल ही फिट बैठती है। फैक्ट नंबर थ्री, देखो हम में से कुछ लोग वेट बढ़ने से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वजन रोज 2-3 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है, और वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्लू व्हेल अपने पहले साल में रोज 90 किलो भारी हो जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन करीब 1.4 लाख केजी हो सकता है। फैक्ट नंबर फोर, बादलों को देखकर लगता है मानो हल्के फुल्के रुई के गोले हवा में तैर रहे हो, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य तो होगा कि रिसर्चर ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतने वजन रहते हुए भी आसमान में कैसे टिके रहते हैं। वो इसलिए आसमान में फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की जो हवा होती है वो उनसे भी भारी होती है, इसीलिए। फैक्ट नंबर फाइव, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग को पता था कि इस मिशन में उनकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी भी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दी, इसीलिए उन्होंने सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार वो ऑटोग्राफ बेचकर पैसा कमा सके। फैक्ट नंबर सिक्स, आप अपने घर में लगने वाले मकड़ियों के जालों से परेशान हो जाते होंगे और उन्हें बार बार हटाते रहते होंगे, लेकिन एंशंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर इन मकड़ियों के जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो घाव को साफ रखती है और घाव को इन्फेक्शन होने से रोकती है। फैक्ट नंबर सेवन, अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते रहते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारे टेस्ट बर्ड्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर के वजह से हमारे टेस्ट बर्ड्स की सेंसिविटी 30% तक घट जाती है, साथ ही हमारे स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है।
और इसीलिए हमें खाना बेस्वाद लगता है। मुझे कमेंट करके बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो आप कहोगे 100, 200 या फिर 300 साल पुराना, गेस कीजिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के अकाइशी माउंटेन के पास स्थित निशियामा ओसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और ये होटल 100-200 साल पुराना नहीं बल्कि 1300 साल पुराना है, और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है और अभी रह भी रहा है ऑब्वियसली। फैक्ट नंबर 9, आम तौर पर इंटरनेट बहुत ही स्मूथ चलता है, मक्खन के जैसा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इंटरनेट के 3 बड़े जाइंट्स गूगल, विकिपीडिया और ट्विटर एक ही दिन में क्रैश हो गए थे, और वो दिन था जून 25, 2009। इसी दिन महान आर्टिस्ट किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी, और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, और इसी कारण से ये 3 बड़े बड़े जाइंट्स एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों को ओलंपिक गेम्स के बारे में तो पता ही होगा। ओलंपिक गेम्स आते ही सबकी दिलचस्पियां गेम्स में बढ़ जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत पहले ओलंपिक्स में ऐसे गेम्स होते थे जिन पर यकीन करना आज की डेट में मुश्किल है। जी हाँ, पहले इन गेम्स में जिंदा कबूतरों के ऊपर निशाना लगाना, टग ऑफ वार, घोड़े की लॉन्ग जंप करना, पानी में गहराई तक कूदने जैसे गेम्स होते थे जिनमें आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे। आप लोगों के लिए और एक बोनस फैक्ट, फैक्ट नंबर 11, दोस्तों वैसे तो पिज्जा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्जा डिलीवरी के लिए 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर एक रिसप्लाइड रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। पिज्जा हट ने 6 इंच बड़े पिज्जा को तैयार किया था, और ये स्पेस में डिलीवरी करने वाला दुनिया का एक लौता रेस्टोरेंट बन गया। अगर आपको रोज ऐसे ही फैक्ट्स के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।